मीरगंज में ग्रामीणों ने कुटेदार के खिलाफ राशन घटतोली पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव धनेटा के कुटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी मीरगंज से राशन घटतोली की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार भोलेराम पुत्र कन्हैया लाल व नारायण दास एवं अन्य ग्रामीणों ने मिलकर कुटेदार सीमा शर्मा के खिलाफ उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि हमारे गाँव के कुटेदार सीमा शर्मा पत्नी हरिशंकर शर्मा ने कोटे की सरकारी दुकान को देवेंद्र पुत्र रामेश्वर दयाल को ठेके पर दे दिया है, जो कि ठेकेदार देवेंद्र एक राशन कार्ड पर 2 किलो राशन कम तोलता है। ग्रामीणों ने कोटेदार सीमा शर्मा को घटतोली की जानकारी दी, जिस पर सीमा शर्मा आग बबूला ग्रामीणों पर भड़क उठी और ग्रामीणों से यहां तक कह दिया कि हमें ऊपर तक देना होता है तो 376 का मुकदमा लगवाने की धमकी दी। ग्रामीणों ने कई बार उप जिलाधिकारी मीरगंज से कोटेदार के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कितना कम मिलता है कितने में? 3 किलो 2 किलो तो वैसे कम होता है। उनके बाटों को आज तक किसी ने चेक ही नहीं कराया, कहते हैं हमारे बाट थे तुम्हारे बाट चला। आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट हैं? हमारे राशन कार्ड में 2। राशन कितना मिलता है आपको? 35 किलो वैसे देते हैं और 2 यूनिट 10 किलो देते हैं। कितना मिल गया महीने में मिलता है या नहीं? बिल्कुल नहीं मिल रहा। कब से नहीं मिला है? 1.5 साल हो गए। कोटे डीलर के आपका नाम क्या है? नाम क्या नाम? अच्छा लेट हो गए ना, पर्चे भारे भेज दिए। गलता नहीं दिया क्यों? क्या नहीं दिया ना दिया? फिर हमारे 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 बना डाल। क्या नाम है? जयपाल। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है। कौन से गाँव रहते? मैं ग्राम भेड़ा रहता हूँ। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, मैं गल्ला लेने जाता हूँ तो 3-3, 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी जब मिलता है गल्ला तो कम मिलता है। अगर 6 यूनिट है तो 30 किलो मिलना चाहिए। उसके बाद में मतलब 27 किलो 26 किलो मिलता है। कोटा समय बताने, हमारा नाम मोहनलाल कोरी घंटा से है। हमने सब पत्र के साथ में शिकायत में भी दिया है। सबसे बड़ी समस्या पहले तो यही है मैं कि हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी 2-4 रुपए के मजदूर होंगे। 3-4 चक्कर लगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, कभी फिंगरप्रिंट नहीं आया, कभी कभी कोई लूडू चले गया, कभी दूसरा बांटने वाला अपने बाजार चले गया। जब तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी दुकान है खोली है, उसके बाद अगर हमारा 30 किलो है तो 29 किलो मानस लेते कहते हैं 1 किलो ऊपर से कमाता है, ऊपर नीचे हम कुछ नहीं जान सकते। 1 किलो कम में 29 लिखी है, उसके बाद 27-28 बैठता है। ठीक, ये समस्या और ये काफी लोगों की, लेकिन लोग कहते हैं इस बार हमने सिखा दिया, हम तक कभी सिखा नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? राम। अच्छा, आपके लिए क्या दिक्कत आ रही है कोटे पे? सर मेन लगे मुझे कोटे नहीं मिलता है। मेरे 7 यूनिट से 5 यूनिट काट दिए गए हैं। काट दिए गए हैं और 4 यूनिट रह गए हैं। उसमें 18 यूनिट का मिलता है और वो भी के बाद मिलता है। हम कोटेदार से नाराज बिल्कुल ना है, उसके कारनामन से नाराज है। वो हमारे गांव के प्रति हमारे पे शोषण करती है। अगर कोई शिकायती पत्र देता है तो कहती है हमारी बहुत लंबी दूर तक पहुंच जाए, अगर कोई ज्यादा गड़बड़ कराओ तो तुम्हें क्षेत्र को मुकदमा लगा, तुम्हारे बंद करा दूंगा। आए दिन धमकी दो, एक दो बार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर भी दी है उन्होंने। और मूल बात यह है कि हमारे लिए जैसे ये कार्ड हमारा 4 नोट का है, उसमें 20 किलो गल्ला होता है तो उसमें लिखा जाता है 19 किलो, और जब हम घर पर आए तोलते हैं तो वो 18 किलो और 70 किलो रह जाते हैं। लोग परेशानी है, कुछ कम मिल रहा है, फिर कोटा जिसके नाम है वो बट नहीं रहा है, जिसके नाम है कोटा कोई और बांट रहा है, मिल कहीं से और रहा है, फिर कम मिल रहा है 30 किलो 29 किलो 27 किलो 28 किलो। एक बार कहा था मैं तो उन्होंने कहा ये आपकी आप अपनी प्रणाली चलाएं, कोटे से कोई मतलब नहीं। नागपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं 19 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के धनेटा गांव, यहां पर हमें हमारी टीम को लोगों ने फोन कर बुलाया है। इनकी समस्याएं हैं कुछ कोटे को लेकर, हम जानना चाहते हैं इनको कोटे की क्या समस्याएं हैं। आप बताएं सर आपकी क्या समस्याएं हैं कोटे को लेकर? जी मेरे 7 यूनिट थे, 5 यूनिट काट दिए गए और 40 महीना से मुझे गल्ला नहीं मिलता। अच्छा, क्या क्या नाम है आपके कोटेदार का? कोटेदार का नाम है सीमा शर्मा। कोटे का साहब भी तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, जैसे वो दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं। 2 किलो गल्ला कम दे रहे हैं। अच्छा, 2 किलो गल्ला भी कम दे रहे हैं। आपने लिखित शिकायत की किसी से? SDM उप जिला अधिकारी जी, वैसे हमने कही है। अच्छा हाँ, अच्छा कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना कोई कार्रवाई नहीं, लिखित शिकायत नहीं। सप्लाई पर को दिया है, ऑनलाइन कराई कागज। अच्छा, 2 किलो गल्ला कम देता है, 5 यूनिट है हमारे। अच्छा, 5 यूनिट है, 2 किलो गल्ला कम देता है। अच्छा, कौन बांटता है?
वो था सीमा शर्मा। सीमा शर्मा शिकायत की आपने? शिकायत तो नहीं करी है, हम मिलता तो कहीं भी आते हैं। जो एक बार मतलब एक के लिए मतलब लगवाई थी सीटर इन्होंने, उसको मतलब उन्होंने लगवाई भी थी। नारायण है और भोले राम थे उसमें, उन पर लगवाई भी थी जब शिकायत कर दी थी। और कार्रवाई काफी दिनों से चल रही है। माता जी आप बताएं आपकी क्या समस्या है? हमारे देखो दो साल से गल्ला नाम दे, दो साल से गल्ला नहीं मिला। राशन कार्ड है आपका? हाँ वही है। अच्छा अच्छा, देखो जो देख ले इसमें तो, ये तो आपका आधार कार्ड है तो आपको गल्ला नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? रामपाली।